यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। देश की आवाज में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं उन मुद्दों से जो सीधा जनता से सरोकार रखते हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा ही गंभीर मुद्दा जो सीधा जनता से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार दिन रात सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अरनिया और सांबा के बाद अब आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स गोलाबारी कर रहे हैं। आज सुबह से ही फायरिंग में अब तक 4 नागरिकों की मौत हो गई है। बुधवार सुबह कठुआ जिले से हीरानगर में सीमा पार से फायरिंग की गई। इस दौरान यहां के लौंदी इलाके के रामपॉल नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी और वो इस गोली का शिकार हो गया, जिसे इलाज के लिए जम्मू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान ने बीएसएफ की करीब 40 पोस्टों को भी निशाना बनाया है। बीती रात लगातार सीमा के पार से गोले दागे गए। इस फायरिंग में 4 नागरिक भी घायल हुए हैं। इनमें से 3 हीरानगर सेक्टर के लौंदी गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक व्यक्ति अरनिया सेक्टर में घायल हुआ है। पुलिस की माने तो पाकिस्तान की ओर से रात भर हीरानगर, सांभा, रामगढ़, अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के 5 किलोमीटर के आसपास सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लगातार फायरिंग को देखते हुए आरएसपुरा, अरनिया और सांभा सेक्टर में अधिक बुलेट प्रूफ वाहनों को भेजा गया है। पाकिस्तान 82 मिलीमीटर के मोर्टार दाग रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी पाकिस्तान ने सीमा पार से मोर्टार दागे थे और एलओसी से सटे अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। इस हमले में एक महिला की मौत भी हो गई थी, जबकि अखनूर के सेरीपल्ली गांव में एक मासूम को गोली भी लगी थी और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। तो नहीं मान रहा पाकिस्तान, फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी की है, अब तक 4 नागरिकों की मौत हो चुकी है। तो लगातार नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा है। तो बात करेंगे आज के सवालों की जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है, रमजान में भी नहीं मान रहा पाकिस्तान, ये आज के बड़े सवाल हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कैसे किया जाए पाकिस्तान का इलाज, ये आज के बड़े सवाल हैं। और साथ ही पाकिस्तान की करतूत पर आप क्या कहेंगे, रोजे में भी नहीं मान रहा पाकिस्तान, सरकार की पाक नीति पर अपनी राय दीजिए। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं और आपका क्या मानना है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पाक की नापाक हरकत लगातार जारी है और आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है। आप भी अपनी आवाज को देश की आवाज बना सकते हैं। तो पाकिस्तान की करतूत पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की जाती रही है। सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान हमेशा ही करता रहा है, अब एक बार फिर से रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान नहीं मान रहा और आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी की गई है, जहां पर 4 नागरिकों की मौत भी हो गई। कार्यक्रम के पहले कॉलर फतेहाबाद से राहुल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, अपनी राय दीजिए। जी राहुल। हेलो। जी राहुल, अपनी राय दीजिए। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि जितना ये मसला सीमा पे आपसे आपस में सेना का है, उससे ज्यादा राजनीतिक है, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे मैत्री संबंध है, वो आज भी हमारे मित्र देशों की लिस्ट में शामिल है। अगर जितनी उधर से सीजफायर वायलेशन होता है के हिसाब से तो हमें मित्र देश की लिस्ट से उसको हटा देना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं हटाया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो प्रॉब्लम है वो राजनीतिक है और इसको राजनीतिक तौर पर ही सुलझाया जा सकता है। तो दोनों देशों की सरकारों को आगे आना होगा। पाकिस्तान के साथ मुश्किल ये है कि पाकिस्तान के सरकारें स्थिर नहीं है, कभी भी उस बहुत वक्त हो गया है कि स्थिर सरकार मिले परवेज मुशर्रफ के बाद, हालांकि वो भी डिक्टेटर थे, परवेज मुशर्रफ के बाद कोई भी स्थिर सरकार अभी पाकिस्तान को नहीं मिली है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा है। अगर पाकिस्तान को एक स्थिर डेमोक्रेटिक सरकार मिल जाए तो ये इसको जल्दी से सुलझाया जा सकता है। बाकी
हमारे देश का, तो हम यही कहना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। रणदीप पानीपत से अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी मैं 25 साल से देख रहा हूँ ये भारत पाकिस्तान का युद्ध। जी 25 साल के अंदर हमारे लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। जी हमारे संसद पर भी हमला हुआ है। जी हमारा देश की कौन सी ऐसी दिन है जहाँ पाकिस्तानी उग्रवादियों ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया है? जी मैं इसके लिए जिम्मेवार देश की राजनीति को मानता हूँ। जी और सबसे बड़ा दोषी मोदी जी को मानता हूँ, जो चुनाव से पहले कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है। जी तो उन्हें इस पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया जाए और इसको 2 दिन के अंदर सबक, हमारी सेना के अंदर ताकत है कि इसको 2 दिन के अंदर सबक सिखा देगी। ये जो कर रही है सब राजनीति कर रही है और सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक चित्तौड़गढ़ से रामेश्वर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामेश्वर अपनी राय दीजिए। जी रामेश्वर आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है। आपको बता दें लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है और कैसे पाकिस्तान की इस हरकत का इलाज किया जाए, ये आज के बड़े सवाल हैं जिस पर आज हम आपकी राय ले रहे हैं। और पाकिस्तान की करतूत पर आप क्या कहेंगे, लगातार जो सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की ओर से यह ऐलान किया गया था कि उनकी ओर से पहले केंद्र सरकार से ये अपील की गई थी कि रमजान के महीने में भारतीय सेना की तरफ से आतंकवादियों के खिलाफ कोई सर्च ऑपरेशन ना चलाया जाए, जिसके बाद अगले ही दिन रमजान के पहले ही दिन लगातार गोलीबारी की गई पाकिस्तान की ओर से, सीजफायर का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की बात भी कही गई थी, लेकिन मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार की पाक नीति पर आपकी क्या राय है आप भी हमें बता सकते हैं और आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है, लगातार सीजफायर का उल्लंघन उनकी ओर से किया जा रहा है। आज सुबह की ही बात कर ली जाए तो आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी की गई है, मोर्टार दागे गए हैं और साथ ही 4 नागरिकों की मौत इस दौरान हो गई है। तो कैसे किया जाए पाकिस्तान का इलाज, पाकिस्तान की करतूत पर आप क्या कहेंगे, ये आज के बड़े सवाल हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार सवाल फ्रेश हो रहे हैं, साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, आपको क्या लगता है। जिस तरीके से अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि ये सब कुछ राजनीति के चलते हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति को जिम्मेदार ठहराया गया था। साथ ही उनका कहना था कि मोदी सरकार ने पहले तो तमाम दावे किए थे कि 56 इंच का सीना है, ये सभी एक दर्शक का कहना था कि उनकी तरफ से तमाम दावे किए गए थे कि जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा और मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके हमारे नागरिक लगातार मर रहे हैं और जो भारतीय सेना के जवान हैं उनको भी शहीद होना पड़ता है, रमजान के महीने में भी पाकिस्तान नहीं मान रहा। तो केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था कि पाकिस्तान के रमजान महीने में ऑल आउट ऑपरेशन जो लगातार उनकी ओर से चलाया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं विराम दे दिया जाएगा और लंबे वक्त तक उसे नहीं चलाया जाएगा जब तक रमजान का पाक महीना है। तो इसी का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं ये गोलीबारी नजर आई है, पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। आज के बड़े सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इसे लेकर क्या सोचते हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है, रोजे मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार ये नापाक करतूत उनकी ओर से की जा रही है। मध्य प्रदेश से रतनाम फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, रतनाम अपनी राय दीजिए। जी रतनाम। रतनाम आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है। कैसे किया जाए पाकिस्तान का इलाज, ये आज के बड़े सवाल हैं। आप भी इन मुद्दों को लेकर अपनी राय दे सकते हैं, आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। पानीपत से देवकराम फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, देवकराम अपनी राय दीजिए। हाँ जी ये ऐसा जी है जो बॉर्डर पर बात कर रहे थी। जी हाँ जी अगर हमारे देश में फौज है तो सब कुछ है। जी हाँ जी
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी इस हरकत से बाज आए। लगातार उनकी ओर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया जाता रहा है। जब भी सुबह उठते हैं तो जरूर ये खबर सुनने को मिल जाती है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन कर दिया। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? सुरेश कुमार रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश अपनी राय दीजिए। कभी कुछ ये देश के बारे में नहीं सोच रहे, देश वालों के बात से खराब नहीं है जी। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान की करतूत पर आप क्या कहेंगे? आपको बता दें कि आज की अगर बात कर ली जाए तो आज ही सुबह आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी की गई पाकिस्तान की ओर से और मोर्टार दागे गए। चार नागरिकों ने इसमें अपनी जान भी गंवा दी है। आपको बता दें कि तीन नागरिक पहले घायल हुए थे, उसके बाद जो चौथा नागरिक घायल हुआ उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कैथल से काकू फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। काकू अपनी राय दीजिए। हेलो जी काकू अपनी राय दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज मिल पा रही है काकू आपको? आ रही है जी। जी अपनी राय दीजिए। एनडीटीवी से बोल रहे हैं जी। हेलो जी राय दीजिए। तो लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया। कैसे किया जाए पाकिस्तान का इलाज? आज के बड़े सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पाकिस्तान की करतूत पर आप क्या कहेंगे? और आपके पास अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी आवाज को देश की आवाज बना सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो नीति है, पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है लगातार जो जारी है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कि आपके पास कोई सुझाव है या फिर आपको भी यही लगता है कि जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए? जिस तरीके से एक दर्शक ने हमें बताया कि वो चाहते हैं जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाए ताकि वो अपने इस तरीके की करतूत से बाज आए और सीज फायर का उल्लंघन जो लगातार करता आया है पाकिस्तान, कहीं ना कहीं उसमें कमी आए। और सरकार की पाक नीति पर आपकी क्या राय है? तो पाक को लेकर सरकार की जो भी नीति अपनाई जाती है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? चित्तौड़गढ़ से रामेश्वर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रामेश्वर अपनी राय दीजिए। जी रामेश्वर। मैम बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि मोदी जी केवल विदेशों या देश के दौरे कर रहे हैं विदेशों के जी, देश के अंदर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीतिक के वोट के लिए ये राजनीति करते हैं मैडम जी। इसमें हमारी जो देश के नौजवान अपने जेबी जो सैनिक हैं वो कितने मार जा रहे हैं, कितने गोलियां खा रहे हैं लोग बाग, मगर ये अपनी वोटों की गिनती बढ़ा रहे हैं और देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं जी। इन्होंने कहा था कि 56 इंच का हमारा सीना है, कुछ भी है, मगर इनका कुछ भी नहीं हो रहा है मैडम इनसे जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक राजस्थान से नरपत फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नरपत अपनी राय दीजिए। जी सर, मेरी राय ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिस हिसाब से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है तो पाकिस्तान को उस हिसाब से हमें जवाब देना चाहिए। ऐसा है कि 5 साल में हमारे हजारों सैनिक मर गए हैं, लगातार ये जो अपनी हरकतें कर रहा है इसको उनके हिसाब से जवाब देना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक देवभूमि हिमाचल से जुड़ गए हैं। मदन लाल, मदन लाल अपनी राय दीजिए। मैडम जी इनको तुरंत जवाब देना चाहिए फटाफट जी, मतलब गोली का जवाब गोली से जी, ऐसे बाजवाने होना नहीं है पाकिस्तान जी। धन्यवाद जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ और जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान की ओर से की जाती रही है उसे लेकर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरीके की हरकत दोबारा वो ना करे। कैथल से महेंद्र सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र अपनी राय दीजिए। ऐसा है, ये जो कह रहे हैं कि हम मतलब मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो पाकिस्तान मानता क्यों नहीं है इस बात के लिए कि युद्ध हिंदुस्तान के जो राजनीति लोग कर रहे हैं ये सेना को पूरा वो क्यों नहीं देते हैं पावर की इसको युद्ध करके पाकिस्तान को एक तरफ से सफाई कर दी जाए इनकी जी। और दूसरी चीज ये कि सेना के इतने जवान मर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा किसी का, बस राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि जवान जवाब देने में सक्षम है जी। तो ये राजनीति वोटों की राजनीति से हटकर और ऊपर क्यों नहीं इसमें जा रहे हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि राजनीति की जा रही है मामले को लेकर।
रोहतक से संजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय अपनी राय दीजिए। मैडम मैं तो ये कहना, हेलो जी संजय राय दीजिए। मैडम मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर अगर ये मोदी जी अगर इन्होंने कहा था अभी इलेक्शन से पहले जी तो मैं इंदिरा जी ना आए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जी। मैं मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, इनका हमारा भारत का जो यूथ है ये मोदी जी के साथ है जी। अगर आप आर पार की लड़ाई लड़े, जो मौतें हो रही है ये तो शहीदी हो रही है, ये तो रोज रोज हो रही है, कभी दो कभी तीन कभी चार, और एक ही बार होके रह लेंगी ना कम से कम जी। कम से कम ये तो देखना चाहिए उनको जी, जो रोज रोज मौत हो रही है तो नहीं होंगी, एक ही बार हो लेंगी तो होंगी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक अंबाला से दीशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीशु अपनी राय दीजिए। तो संपर्क लगता है यहाँ पर टूट गया है, लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में भी पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। रमजान के पाक महीने में केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कि जो ऑल आउट ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की ओर से चलाया जा रहा है उसे अब नहीं चलाया जाएगा और कुछ वक्त के लिए विराम उसे दे दिया जाएगा। तो बावजूद इसके नापाक हरकत पाकिस्तान करता रहा है। मध्य प्रदेश से एसएस बजोरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसएस अपनी राय दीजिए। हेलो अपनी राय दीजिए। जी जी मेरा कहना ये है कि सरकार को पाकिस्तान के साथ वो करना चाहिए जी जो अमेरिका ने कुवैत के साथ किया था जी, वो करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक हिमाचल के सरका घाट से नागेंद्र नेगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नागेंद्र अपनी राय दीजिए। मैडम नमस्कार, नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकाघाट मंडी हिमाचल से जी। मैडम इससे पहले भी वाजपेयी के कार्यकाल में रमजान के सीज फायर किया था और हमने 68 जवानों को शहीद करवा दिया था जी। ऐसी गलती दोबारा क्यों करते हैं जब पता है कि पाकिस्तान नहीं मानेगा। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, एक और युद्ध की जरूरत है। और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इनके लिए जो डैमेज कंट्रोल हुआ तो भी समाधान भी मोदी जी युद्ध ही है, सीज फायर ही है, तभी 2019 का चुनाव आप जीत सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र नेगी अपने राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए और कहीं ना कहीं एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी भारतीय सेना की ओर से जिसके बाद कई जवानों को, कई पाकिस्तान के जवानों को मार भी गिराया गया था। और इसके बाद दर्शकों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। हिमाचल से अंजना फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अंजना स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। हेलो मैम जी नमस्कार। मैम मैं हिमाचल से बोल रही हूँ जी। ये जो पाकिस्तान मैम इसका इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता। हेलो जी, इसका इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, क्या बात है, कैसे क्यों हमारे इतने जवान मर रहे हैं और आम नागरिक भी मर रहे हैं मैम, ये कैसा माहौल बनाया हुआ है पाकिस्तान ने, इंटरनेशनल कोर्ट पर हो सकता है लेकिन इसके लिए सरकार हो सकता है बात करे। इनको पूछना चाहिए ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आमने सामने आ जाओ फिर। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना अपना सुझाव देने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल से महेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र स्वागत है आपका, खबरें अभी तक पर राय दीजिए अपनी। मैडम जी जी, ये जो पाकिस्तान बार बार छोटा मोटा करता रहता है, हमारे फौजियों को मारता रहता है, मेरे फादर साहब भी फौज में हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार ही वार पार हो जाए जी, पाकिस्तान के साथ एक बार ही हो जाए, बार बार क्यों लगा रहता है चक्कर, आज दो मर रहे हैं, कल चार मर रहे हैं, परसों पांच मर रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ एक बार ही हो जाना चाहिए वार पार, तो एक बार में सुख शांति तो हो जाएगी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि लगातार जो पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन किया जाता रहा है, कभी दो जवानों की मौत हो जाती है, कभी नागरिकों की मौत हो जाती है, जम्मू कश्मीर के लोग भी झेलते आ रहे हैं इस हिस्सा को काफी लंबे वक्त से, तो एक ही बार युद्ध हो जाना चाहिए या फिर इसका कोई ना कोई हल सरकार को निकालना चाहिए। तो पाकिस्तान का इलाज कैसे करवाया जाए, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं, आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज़ को आप भी देश की आवाज़ बना सकते हैं। सरकार की पाक नीति पर आपकी क्या राय है, तो सरकार
पाकिस्तान को लेकर जो नीति अपनाती आई है, अब तक सर्जिकल स्ट्राइक भी पहले की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ दर्शकों का कहना है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की जरूरत है। फतेहाबाद से संदीप सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, अपनी राय दीजिए। मैम हेलो। जी संदीप। हेलो। जी संदीप, राय दीजिए अपनी। हेलो। जी संदीप, राय दीजिए अपनी। तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है। तो पाकिस्तान की जो नीति है, तो पाकिस्तान की नीति को, जो सरकार की पाकिस्तान को लेकर नीति है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? रमजान में भी पाकिस्तान नहीं मान रहा, और पाकिस्तान का इलाज कैसे किया जाए? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं, और खबरें अभी तक के इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी आवाज को देश की आवाज बना सकते हैं। सरकार की पाकिस्तान को लेकर जो नीति है उस पर अपनी राय आप भी दे सकते हैं, और पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है, लगातार सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया जाता रहा है, और रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान नहीं मान रहा। अंबाला से संजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी मिनिस्टर का, क्या हमारे किसी भी राजनेता का कोई व्यक्ति मरा है सरहद पर? जी, ये सरहद पर सीज फायर कर देते हैं। जी, जेएनके में सीज फायर कर देते हैं। आप इनसे सिर्फ एक चीज पूछ लीजिए, क्या इनका कोई व्यक्ति आज तक मरा है? जी, सिर्फ कोई भी एक व्यक्ति, क्या किसी भी राजनेता का व्यक्ति डिफेंस में है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। संजीव, अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, अपनी राय दीजिए। तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। फोन कॉल्स आप भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान की नापाक हरकत जो लगातार जारी है, रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान नहीं मान रहा, इसे लेकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। चरेंद्र मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चरेंद्र, अपनी राय दीजिए। हाँ मैडम। जी, अपनी राय दीजिए। हेलो। जी चरेंद्र, अपनी राय दीजिए। हाँ मैडम, ये कह रहा हूँ मैं कि ये बार बार जो गोलीबारी होती है, मतलब इतना निर्दोष लोग मारे जाते हैं जी, तो भारत की अपनी सरकार क्या कर रही है? ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या मैडम कभी? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान नहीं मान रहा, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से पहले सरकार से अपील की गई थी, और उसके बाद भारत में केंद्र सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया था कि रमजान के पाक महीने में भारतीय सेना की तरफ से कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। वीरेंद्र सोलन से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अपनी राय दीजिए। जी वीरेंद्र, अपनी राय दीजिए। जी, मेरा कहने का मतलब है ना कि गठबंधन कर रही है सरकार सारे मिलजुल के। जी, सरकारें गठबंधन कर रही है मिलजुल के, इसके बारे में क्यों नहीं गठबंधन किया जाता है? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि गठबंधन सरकारों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर कोई गठबंधन नजर नहीं आता। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया जाता रहा है। अगर आज की ही बात कर ली जाए तो आज 4 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश की आवाज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।